चांद के बाद अब भारत सूरज के रहस्यों के बारे में जानेगा। चंद दिन पहले चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही अंतरिक्ष में भारत ने अपना लोहा मनवाया था और अब इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो ने लॉन्चिंग की सारी तैयारियां पूरी कर दी है। इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितम्बर को सुबह 11:50 पर श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। इसरो ने इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया है। आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण को देख सकते हैं, कैसे और कहां, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। आदित्य L1 की लॉन्चिंग कब और कहां देख सकते हैं, इसकी जानकारी इसरो ने खुद ट्वीट कर दी है। आप पहले सूर्य मिशन की लॉन्चिंग इसरो के सभी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब और DD नेशनल TV पर देख सकते हैं। ये तो हुई लॉन्चिंग की बात, अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आदित्य L1 इसरो का पहला सूर्य मिशन है। इसकी मदद से इसरो सूरज से निकलने वाली किरणों की जांच करेगा। आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच में लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रखा जाएगा। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड सूरज से निकलने वाली विभिन्न किरणों की स्टडी करेंगे। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। ये भारत का पहला मिशन होगा जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के 4 महीने बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट होने के कारण इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां पर आसानी से शोध किया जा सकेगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सूरज पर सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। ये था इसरो के पहले सूर्य मिशन का पूरा खाका। तो चलिए वीडियो के आखिरी में जाते जाते हम आपको श्री हरिकोटा में इसरो के पहले सूर्य मिशन को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है वो दिखाते हैं।